मामा जी बजट हो गया। टमाटर के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं और अदरवाइज और सब्जियां भी ज़्यादा महंगी हो गई है सर। जब एकदम से ऐसे अचानक जो है सब्जियों के दाम या टमाटर के दाम बढ़ते हैं तो एक गृहिणी होने के नाते घर चलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर, बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि अब एक प्राइवेट जॉब है, बड़ा मुश्किल होता है। कैसे बच्चे भी पालने हैं, घर चलाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, आपको पता था कि टमाटर इतना महंगा? नहीं जी, हमारे को नहीं था पता कि इतने अचानक बढ़ गए इसके दाम भी। सर आप सब्जी मंडी में आते हैं? हाँ जी आते हैं। पहले भी आए हुए तो कितना टमाटर था और अब क्या भाव है? अबे आज तो मैं ले रही हूँ 80 रुपए किलो हो गए हैं, अभी पीछे ली थी 40 रुपए थे, 40-50। हाँ जी, कभी 30 होते हैं। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं कि क्यों महंगे हो रहे हैं? पता नहीं क्यों महंगे हो रहे हैं, ये बहुत हो गया है, इसमें बहुत महंगा हो गया। ठीक है। हाँ जी, सीता वाता, आज आपने टमाटर खरीदे, क्या रेट मिले आपको? 80 रुपए किलो। हाँ जी, 80 रुपए किलो मिले। तो एकदम से रेट बढ़ गए? एकदम से रेट बढ़ गए। हाँ जी, कैसे मैनेज? अभी तक 30-35 किलो रुपए किलो था, अब एकदम से 80 रुपए हो गया है। तो कैसे मैनेज करेंगे, कोई फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, और दिन 2 किलो लेते हैं, अभी आधा किलो से गुजारा करना पड़ेगा। बाकी सब्जियों में भी नजर आ रहा है? बाकी सब्जी इतना नहीं चली है। तो क्या मानना है आपका, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं तो लोगों को कितना हो? बहुत मुश्किल होगी और बड़ा मुश्किल घर चलाना होगा। हेलो, मैंने जी टमाटर का रेट का पता किया है, दुकान में 100 रुपये किलो बेच रहे हैं और इसी तरह अदरक भी 100 रुपये का, 100 ग्राम 40 रुपये का दे रहे हैं। नहीं आ रही है, क्या ये 1-2 दिन के लिए आपको लगता है या फिर अभी पता नहीं, ये तो यही जाने जो आपको क्या लगता है, 1-2 दिन के ही फर्क है या महंगाई वैसे ही बाकी चीजों की उठी हुई है? नहीं, चलो महंगाई तो है ही है पर अभी तो बहुत ज्यादा हो गया ये रेट। कैसे चलेगा इस समय पे, कैसे आप डील कर रहे हैं? अभी जी मैं सच बताऊं तो समय तो खराब ही आएगा, अच्छा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। टमाटर 80 रुपए जी। ये आजकल बारिश से बहुत हो रही है, बरसात जो है, बरसात में जो किसान की फसल थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जैसे मान लो एक क्रेट में कम से कम किसान भी कम से कम कोई 20 अगर 25 किलो टमाटर है तो उसमें से 10 किलो ठीक निकल रहा है, 15 किलो वेस्टेज हो रहा है, इसमें तो पैसे करने भी बड़े मुश्किल है पूरे करने में। बरसात के टाइम हर साल होता है मैडम जी, ये अभी की बात नहीं है, आप हर साल देखो, हर साल यही रेट होता है। ये हिमाचल के जी, ये लोकल। हाँ जी, समय पड़ रहा है, बारिश से देखो कितनी हो रही है। हिमाचल की आ रही है क्या, उनमें भी भाव में वृद्धि? नहीं देखिए, आप मान के चलिए बीन्स है, बीन्स 40 रुपए किलो चली हुई है। नहीं तो वैसे जो बीन्स का भाव होता था इस टाइम पे बरसातों से पहले, इस टाइम पे जो भाव होता था 70-80 के करीब होता था, बट इस बार इसकी फसल अच्छी है क्योंकि पानी की वजह से इनकी फसल अच्छी है तो इसका भाव 40 चला हुआ है। ठीक है जी, फूलगोभी की बात करें तो फूलगोभी ऐसा है कि फूलगोभी की फसल इस बार कम है और फूलगोभी इस बार महंगी रहेगी। इस टाइम पे भी फूलगोभी जो है 80 रुपए 100 रुपए 80 रुपए 100 रुपए ये बिक रही है। हाँ, तो इन दो चीज़ों को मार है, टमाटर और फूलगोभी को मार है, बाकी और बाकी चीज़ें सारी नॉर्मल है। जी सर, नाम आशीष कुमार शर्मा। आशीष जी, टमाटर के भाव अचानक से बढ़ गए हैं, 80 से 100 रुपए आप 60 भी बता रहे हैं जी, क्या वजह है इसके पीछे? सर ऐसा है कि अब जो नीचे की फसलें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, पंजाब की फसलें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं और जो यहाँ की फसलें हैं उनमें एक्चुअली 2-4 दिन से आपने खुद जज किया होगा कि ये बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उस वजह से क्या है जो खेतों में पानी पूरी भर जाता है, उस वजह से
यानी कि जो फसलें हैं कुछ खराब हो गई, कुछ मतलब पहुंच नहीं पाई मंडी, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई कुछ हुआ, उस वजह से थोड़ा सा ये रहा कि जो ये टमाटर जो था, यानी कि अब एक्चुअली अब नीचे के बहरान भी शुरू हो गए हैं। अब इसमें ऐसा था कि थोड़ा फसल खराब होने की वजह से थोड़ा सा, यानी कि एक दिन हुआ, अभी कल का दिन हुआ, वैसे उससे पहले तो 30 एकड़ में बिक रहा था। हर साल ऐसे ही होता है टमाटर के भाव में सर, ऐसा है। देखिए मौसम सर, ऐसा होता है कि मौसम की मार का फर्क है। इस बार जो मौसम है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं चले हुए हैं। एक्चुअली जिस टाइम पे बर्फ़ें पड़नी चाहिए थी उस टाइम पे बर्फ़ें नहीं पड़ी, जिस टाइम पे ओलावृष्टि, पीछे आपने देखा होगा ओलावृष्टि हो गई, फिर उसके बाद जो आपका पानी जो है खेतों में पानी भर गया। अब जो ये शुरुआती उड़ान जो चले हैं, इसमें ये है कि जो स्टार्टिंग की जो फसलें हैं उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है, बाकी इसमें जो आने वाले यानी कि उसमें टाइम में ये ठीक आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, यानी कि ज़्यादा वो उसकी चिंता वाली बात नहीं है। कब तक उम्मीद है कि टमाटर के भाव सर? देखिए ऐसे है, देखिए एक दिन के लिए महंगा हुआ था कल, यानी कि जो पिछले कल था वहाँ 100 तक पहुँच गया था टमाटर, ठीक है जी। आज 60 और 80 के बीच में आ गया, कल की डेट में हमारे होपफुल ये है कि शायद यानी कि 40 और 60 के बीच बीच में ये आ जाएगा। जी सर, बात कर आप कह रहे हो हिमाचल की फसल